इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलंबियन सुपरमार्केट के बारे में, कोलंबियन यूनिवर्सिटी एंड लास्ट में सम कोलंबियन वेजिटेरियन फूड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं निकला हूँ अपने अपार्टमेंट से कुछ सामान खरीदने, छोटा मोटा सामान जैसे कि दूध एंड चाय एंड ऑल। तो सबसे पहले मैंने कराया चेंज, मनी एक्सचेंज। तो एयरपोर्ट में वहाँ लिखा था नो कमीशन, बट प्राइस वॉज 2750 पर डॉलर और यहाँ पे मुझे मिला 2850। तो ऑलमोस्ट 100 pesos का अंतर है। तो गाइस वहाँ पर मैं शूट कर ही रहा था, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी इन्होंने मेरे को शूट करने से मना कर दिया, तो 2-4 आइटम्स ही मैं शूट कर पाया, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो ये है साउथ अमेरिकन रोटी, जिसे बोलते हैं तोर्तियास। तो ये एक्चुअली मक्के की रोटी होती है और ये इजीली सारे सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होती है और 15 रोटियों का पैकेट आपको पड़ेगा समथिंग अराउंड 160 रुपये का। तो आराम से अपने पैकेज फूड के साथ आप इसे खा सकते हैं। मक्के की रोटी। तो दोस्तों मैं 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ अभी तक, और अभी तक की जो बेस्ट कॉफ़ी मुझे लगी है वो है कोलंबियन कॉफ़ी, और कोलंबियन कॉफ़ी में जो बेस्ट ब्रांड, जो प्रीमियम ब्रांड जो आता है वो है क्वान वाल्देस। यू शुड ट्राई दिस वन व्हेन यू आर हियर इन कोलंबिया। तो स्पैनिश में कॉफ़ी को बोलते हैं काफे और दूध को बोलते हैं लेचे। तो अगर आपको चाहिए नॉर्मल दूध, फुल क्रीम दूध, तो उसे बोलते हैं लेचे इंतेरा। तो वही मैं भी देख रहा हूँ, ये देखिए लेचे इंतेरा, तो ये है फुल क्रीम दूध। तो जहाँ कोलंबिया फेमस है फॉर इट्स प्रीमियम कॉफ़ी, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के एक्सोटिक फ्रूट्स बिना टेस्ट किए आप नहीं रह सकते। तो अभी मैं ले रहा हूँ एवोकाडो, और एवोकाडो की प्राइसेस जो थी यहाँ की काफ़ी सस्ती थी और रीजनेबल थी। गुड आफ्टरनून। तो अपना टाइम तो दोपहर में शुरू होता है, तो अभी जस्ट ब्राज़ील का वीज़ा लगाया मैंने और पासपोर्ट सबमिट कर दिया है, और वेट कर रहा हूँ अपनी एक फ्रेंड का जो अभी आने वाली है यहीं पे, और देन वी विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर बोगोटा। तो ब्राज़ील के वीज़ा के बारे में बताऊँगा बाद में आपको, अभी स्टार्ट करते हैं बोगोटा का ब्लॉग, कोलंबिया ब्लॉग। बिनवेनिडो आ कोलंबिया, लेट्स स्टार्ट। होला, कोमो एस्टास? मुय बिएन। कोमो, टोडो बिएन? मुय बिएन। बुएनो, या वामोस? सी। कोमो ते आमास? अद्रियाना। अद्रियाना, सो शी इज अद्रियाना एंड ये यहीं पे रहती है। एरेस दे बोगोटा? सी। ए या कोनोसेस इंडिया? सी। या एस्टाडो इंडिया? एन बैंगलोर। एन बैंगलोर, हां ओके। So she is Adriana. Adriana, और ये बोगोटा में रहती है, और ये एक्चुअली एक बार इंडिया आ चुकी है, तो इसे इंडिया से थोड़ा लगाव है। तो मैंने पूछा था कोई मेरी हेल्प करेगा बोगोटा घूमने के लिए, तो उसने शी वॉज वन ऑफ देम, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो ना और vamos que vamos a hacer? Vamos a ir a un restaurante vegetariano para que almuerces. Okay. Y pero es vegano? No me gusta vegano. ¿Es vegetariano? Vegetariano, sí. ¿Cómo queso? ¿Queso no hay problema? Pues mira, entonces no sé si quieras de pronto que yo te dé como una vuelta por la universidad para sí. Crear los edificios.
Entonces, ¿qué aconsejas? Primero que guardes tu cámara. ¿Acá? Sí. So guys, अभी मैं घूम रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बोगोता सही यूनिवर्सिटी ऑफ बोगोता सी नेशनल कोलंबिया ओके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बोगोता ऑफ कोलंबिया और ये एक्चुअली पब्लिक यूनिवर्सिटी है और एक तरह से फ्री है बट बहुत कम फीस लगती है और एड्रियन ने बताया कि यहाँ पर हर जगह होती है वहाँ यहाँ पर भी दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट एंड पब्लिक प्राइवेट में जो सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है वो समथिंग अराउंड 636 4 लाख रुपए पर सेमेस्टर खर्च करने पड़ते हैं बढ़िया सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए और इस यूनिवर्सिटी में जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यहाँ के लोगों को एक स्टूडेंट को मैक्सिमम $30 पे करने पड़ते हैं जो कि है 2100 रुपये पर सेमेस्टर और एक सेमेस्टर है 6 महीने का तो मतलब एक साल के हो गए 4,000-4,500 रुपये ठीक है तो गाइस मेरे पास काफ़ी दोस्तों के मैसेज आते हैं कि शेयर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ कोलंबिया तो आपको बता दूं कोलंबिया की 41 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ऑफ लैटिन अमेरिका तो नॉर्मली हर यूनिवर्सिटीज़ की तरह यहाँ पर भी कई तरह के कोर्सेज यहाँ होते हैं बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको स्पेनिश आनी चाहिए नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा वैसे नॉर्मली फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पेनिश कोर्सेज करने के लिए आते हैं कोलंबिया में जो स्पेनिश बोली जाती है वो ग्रामेटिकली प्योर और उनके एसेंट काफ़ी क्लियर होते हैं और दूसरा यहाँ पर इंग्लिश ना के बराबर बोलते हैं तो आपको ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ स्पेनिश ही बोलनी पड़ेगी एंड यू कैन स्टडी स्पेनिश इधर इन बोगोता और इन मेडेजिन और कार्थागेना सो गाइस अभी हम हैं एडिफिसियो दे सीएनसी एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्डिंग के सामने तो काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे एक नॉर्मली एक किसी शहर की यूनिवर्सिटी होती है काफ़ी बड़ी होती है कैंपस काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं साइंस का अलग है आर्ट्स का अलग है वैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आप 3 मंथ्स या 6 मंथ का स्पेनिश कोर्स कर सकते हैं बट उसमें आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिलेगा अब बात करते हैं ट्यूशन एंड फीस की कोलंबिया इज़ बिट चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ तो डिपेंड्स आपने कौन सा कोर्स के लिए ऑप्ट किया है और किस यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हैं प्राइस उस पर डिपेंड है तो मिनिमम जो प्राइस है वो 2,000 पर सेमेस्टर से 3-4 लाख पर सेमेस्टर हो सकती है डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और अगर रहने की खर्चे की बात करें तो नॉर्मली एक महीने का खर्चा $400-$500 पर मंथ जिसमें आता है लॉजिंग खाना पीना ट्रांसपोर्ट और सम एंटरटेनमेंट ये आपका खर्च हो सकता है हर महीने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल पीछे साइंस मुझे अच्छी लगती थी बट फिजिक्स नो में गुस्तावा फिजिका नो में गुस्तावा पर मैं केमिका सी y biología también तो काफ़ी बढ़िया बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अभी बहुत कम स्टूडेंट्स है वो मैंने नोटिस किया उसने बताया कि एक्चुअली ये फर्स्ट वीक है फर्स्ट ऑफ द सेमेस्टर तो इसलिए यहाँ पे कम लोग बाग हैं चिल कर रहे हैं लोग बाग अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए और बीच में से अभी गुजर रहे हैं
यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवेन्यू या फिर रोड बोल लीजिए, यहाँ पे बोलते हैं कारेरा। तो ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट कारेरा, पूरी बोगोटा की रोड से नंबर्स पर डिवाइडेड है। तो अभी हम हैं कारेरा 30। तो आप किसी न किसी मोमेंट पे इस रोड से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि ये यहाँ की मेन रोड है, बीच की रोड है। मतलब सारी की सारी रोड्स यहाँ पे बाइसेक्ट होती है, इस रोड पे बाइसेक्ट होती है। बोगोटा जो है पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, माउंटेन्स से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और बीच में बोगोटा सिटी है, इसलिए यहाँ पर पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक रहता है। हालांकि काफ़ी ग्रीन है, पर ट्रैफिक की यहाँ पर बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है। इस एल ट्रैफिक हो, इस मुच ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और यहाँ पर जो बस सिस्टम है उसको बोलते हैं, यहाँ मेट्रो नहीं है। आई नो नो मेट्रो का नो, यहाँ मेट्रो नहीं है, यहाँ पर है ट्रांस मिलेनियम, मतलब बस सिस्टम है, जो कि एक इनकी अलग से लेन है बसेस की, वो सिर्फ वो बसेस चलती है वहाँ पर। वो बोल रही है वो काफ़ी हद तक ठीक है एज कम्पेयर टू दिस योर प्राइवेट टैक्सीज या फिर प्राइवेट कार्स। अब लग रही है बहुत ज़ोर की भूख, तो जाते हैं खाना खाने, लंच करने कुछ वेजिटेरियन। मेवा जेवार अलगू परा कोमेर वेजिटेरियन। तो ये है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, एल वेर्दादेरो पान इंटीग्रल, मतलब द रियल ब्राउन ब्रेड। देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर, ऑर्गेनिक इंटीग्रल। बनारस केस किस्तीने यो क्यूरो उनो दे केसो दे सोया नो। तो ये है कोलंबियन एम्पनाडास, दीज आर नॉट अर्जेंटीनियन। तो ये है वेजिटेरियन और ये है हवाई, हवाई में है इसमें डालते हैं पाइनएप्पल, और ये है नॉर्मली वेजिटेरियन। लेट्स सी हाउ इट इज। बुएन प्रोवेचो, ग्रासियस। तो ये इस्ते परा प्रार्थी मैं Esto uva. Grape juice, bahut khatta hai. Ye alam hai. Bahut picante. A ver si es picante. No pica nada. ¿Y a ti cuál es? ¿Está bien? ¿No va a probar? ¿Nada? Pero está en tu país. Es de tu país, no de India. No, no es país. Gracias. Este es lo que es más picante. Sí, ¿eres más picante? Sí. Yo más picante. Mío. More spicy. Let's see how more spicy it is. Si pagas 1500 por el pato, podrías darme 1500 por el caballo. No. Ahora sí. Spicy, ¿eh? Itna nahi hai lekin theek hai. No tanto, pero sí. Se siente ahora un poco spicy, picante. Sí. Para llevar. ¿De esta de verdura? Sí, verdura, dos.